आयशा मेरी जान, क्या हो गया है? चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो इतना मेरी जान? चुप हो जाओ प्लीज। आयशा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक है, चुप। क्या हो गया है बेटा? मानू, क्या हुआ? आयशा इतना क्यों रो रही है? तानी मामा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। आयशा जब से रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है, दूध भी नहीं पी रही है। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है मामा। इसको हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है मामा। आखिर भाई को क्या जरूरत थी कि वो आयशा को यहाँ लेकर आ जाए? इतनी छोटी बच्ची को उसकी माँ की जरूरत होती है मामा। मेरी तो खुद समझ भी नहीं आता है क्या हो गया इस लड़के को। हर वक्त अपनी मर्जी करता है, जरा सी बात का कर लो फौरन गुस्सा आ जाता है। मेरी माँ ने तो आप भाई की शादी करवा दे मामा। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं मामा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कहूंगी और तुम्हारा भाई मान जाएगा। तो फिर आप बात करें भाई से और पूछें उनसे कि वो क्या चाहते हैं। इतनी छोटी बच्ची को उसकी माँ से छीन कर ले आए हैं। हादिया के दिल पर क्या गुजर रही होगी मामा, कुछ तो सोचें। क्या कर सकती हूँ मैं बेटा।